एसपी साहब के पहुंचते ही मच गया हड़कंप, सभी अधिकारियों के छूटने लगे पसीने। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। वहीं महाराजगंज अनुमंडल में चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए आज सिवान जिले के एसपी अमितेश कुमार ने डीएसपी राकेश कुमार रंजन के साथ अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी थाना प्रभारी के साथ क्राइम मीटिंग कर आपराधिक घटनाओं और किसी भी अपराध को रोकने को लेकर समीक्षा बैठक की डीएसपी कार्यालय में किया गया। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए दिशा निर्देश दिए गए। एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि छोटे बड़े जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी बड़ी सुनियोजित अपराध होने के पहले ही उनके गिरोह को पकड़कर पर्दाफाश करने और जेल भेजने की तैयारी जिला स्तर पर प्रारंभ कर दी गई है। प्रशासन के हर छोटे बड़े अधिकारी और पदाधिकारी को शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सीरियस होने और आदर्श चुनाव में प्रशासनिक सहभागिता दिखाकर लोकतंत्र को मजबूत करने की बात पर जोर देते हुए कार्य करने को कहा है। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के प्रदर्शन पर जिले के एसपी साहब ने कहा कि उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और किसी भी प्रकार के धर्म संबंधित सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव को बाधित किया जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी, ठीक है, जैसा आप लोगों को पता होगा कि पूरा जो चुनाव के संबंध में जितनी जो डिप्लॉयमेंट है बूथ लेवल से लेकर के सेक्टर एवं जोनल मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति का पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है और छठे फेज में सिवान अंतर्गत सिवान लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में और महाराजगंज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी छठे चरण में मतदान होना है जो कि 25 मई को होगा। सर, हर बूथों को सर प्रशासनिक तैयारी में तनाव सुरक्षा बल की व्यवस्था तैनाती की व्यवस्था की, देखिए इसमें मैं पहले तो बताना चाहूँगा कि बूथ पे क्या प्रतिनियुक्ति है या क्या डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में अधिकृत रूप से हम लोग नहीं बता सकते।